नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के इतनी सख्ती बरतने के बाद भी पीड़ितों की बात कई ऐसे थाने हैं जहां पर सुनी नहीं जाती है। वहां पर फरियादी हो, पत्रकार हो, सम्मानित जन हो, सबको एक ही नजरिए से देखा जाता है और सम्मानित जनों को तिरस्कार के साथ ही फरियादियों को थाने से डांट कर भी भगा दिया जाता है। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललन सिंह यादव है। बीरनो थाने का कोई प्रकरण आपके पक्ष में आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीरनो थाने का प्रकरण तमाम आता रहता है, पीड़ित जाते हैं वहाँ, पता चलता है कि एक कोई मनीष कुमार मुंशी है, वो बड़ी जो है मतलब अभद्रता से पेश आते हैं। एक दिन मैं खुद गया, जो है मैं पत्रकार हूँ, मैं पीड़ितों की आवाज उठाने वाला हूँ, और जो पुलिस जो है पीड़ितों की आवाज को दबाता है उसको हम लोग उजागर करते हैं। जब हमारे साथ खुदे वो व्यक्ति हम मतलब गलत ढंग से पेश आए तो दूसरे को हम क्या बताएं? अब पीड़ित व्यक्ति कितना जो है मतलब वहाँ से उनको जो है मतलब वो न्याय मिलेगा, अब खुद जनता जानती है। डर सहमे लोग जाते हैं, उनको प्रताड़ित अलग से किया जाता है। जी जी, प्रताड़ित करके जो है वहाँ से कर दिया जाता है, हार मान करके वो व्यक्ति जो है या तो आत्महत्या कर लेता है या फिर केस लड़ना छोड़ देता है। जी जी, आगे आपने इसको लेकर क्या पहल की? आपने किसी पहल हमने ये किया है कि यह जो है हम मामले को एसओ सर नहीं थे, उनको डेंगू हो गया है, वो उप निरीक्षक जो है ओम प्रकाश यादव थे, उनसे बात किया तो वो इसमें उसमें लपेट करके छोड़ दिए। तो मैं गया कप्तान साहब के, कप्तान साहब नहीं मिले, अपर पुलिस अधीक्षक जो है ग्रामीण जो है अभिषेक भारती जी से मैं मिला, वो बहुत जो है एसओ को डांटे और मुंशी को तलब करने के लिए कहा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे यदि आपकी कार्रवाई संतुष्ट नहीं होता तो आगे आप लोग क्या करेंगे ताकि समाज का भला हो सके? पूरा पत्रकार संगठन जो है फिर नए कप्तान से मिलेगा और जो है उनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं तो होती है तब तक जो है हम लोग जो है मतलब वहाँ जो है मिलेंगे। क्षेत्र की जनता की प्रताड़ना को देखते हुए आप लोगों ने किया है? जी जी, क्षेत्र की जनता के साथ जो है बहुत अभद्रता पेश आ रहे हैं। मैं यही जानने के लिए गया था कि खबर के बहाने देखा जाए कि आखिर क्या करते हैं। सारे लोग से दुआ बंदगी हुई लेकिन वह व्यक्ति आए और हमें जो है उल्टा सीधा बोलने लगे जो है।